हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन शिक्षण पर। पढ़ रहे होंगे आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और परीक्षा की तिथि का याद ना करते हुए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। वो तो आएगा ही आएगा, वो तो होना ही है, वो तो होगा ही पेपर। ठीक है दोस्त, सबके लिए प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोग पढ़ते रहिए, कब एग्ज़ाम हो जाए जैसा कि मैम बताएंगी, हम लोग सूचना तो देंगे ही जब एग्ज़ाम का डेट वगैरह आ जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट रखिए। तो हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन कर रहे थे, आज छठा पार्ट है कड़ी का छठा पार्ट है, क्वेश्चन कर रहे थे और बेसिक क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। पांच वीडियो आप लोग देखे होंगे, पांचों में क्लियर हो गया होगा आप लोग का बेसिक। हाँ तो आज छठा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो उसने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ अपने से बनाए थे, आज फिर कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोग के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, देखते हैं। 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 बोल रहा हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करें, आपस में उसको नोट कर लें, तुरंत उसको कॉपी पे नोट कर लें, सुनते ही उसे नोट करें कॉपी पे। अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो, वैसे हम बोर्ड बड़ा आने वाले हैं, जल्द ही आ जाएगा बोर्ड बड़ा। ठीक है दोस्तों, उसमें क्लियरली अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है नेक्स्ट, 9 की पावर 3.9 इंटू 8 to the power 8.6 इक्वल टू 72 के पावर में x। तो हमको ये x का वैल्यू निकालना है, जैसे 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 to the power 4.4 इंटू 9 to the power 3.9 इंटू 8 to the power 8.6 इक्वल टू 72 to the power x। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है हमें। यहाँ देखते हैं हमको 72 या फिर बना लें 72 बना लें या फिर 3 और 2 में इसको ब्रेक करते हैं। तो हमको यहाँ पे 72 बनाना आसान होगा, क्योंकि 9 8 जाए 72 हमको दिख गया, पहले 72 यहाँ पे तो बना लेते हैं, क्योंकि जब बेस इक्वल कर लेंगे तो पावर इक्वल हो जाएगा, बेसिक तो क्लियर है। देखते हैं तो 9 8 जाए 7, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 8.6 है। रुकिए पहले अब यहाँ पे देखना है, पावर जिसका सेम है उसी से मल्टीप्लाई करना है, पावर सेम है तभी मल्टीप्लाई करना है आपस में, पावर नहीं सेम होगा नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर नहीं सेम है, इसमें से मल्टीप्लाई इसका नहीं करेंगे, इसका पावर इस वाले 8 से सेम है और इस 8 का पावर इस 9 के पावर से सेम है, यानी कि 9 to the power 8.6 8 to the power 8.6 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि सब मल्टीप्लाई है, तो चाहे आगे मल्टीप्लाई करें चाहे पीछे वाले से मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लाई चाहे इधर से स्टार्ट करें आना तो वही सेम नंबर है। ठीक है 9 8 जाए 72 के पावर 8.6। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, पावर सेम है, तो 8 into 9 यहाँ पे इंटू था, तो 8 into 9 72 to the power 3.9 और यहाँ पे 72 के पावर 4.4 पहले से है, 72 to the power 4.4 है इक्वल टू 72 to the power x। यही x का वैल्यू निकाला, देखिए यहाँ पे 72 इक्वल टू साइड में है, यहाँ पे बेस सबका सेम है तो पावर सबका ऐड हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं 72 और जितने भी पावर हैं सबको ऐड कर देते हैं, यानी 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 इसको ब्रैकेट में कर दिए इक्वल टू 72 के पावर में x। यहाँ पे इन सब के पावर को ऐड करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं बेस इक्वल है, पहले जब बेस इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि 8.6 प्लस 3.9 प्लस 4.4 इक्वल टू x। अब इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, देखिए 8.6 3.9 4.4 यहाँ पे ऐड करते हैं, 9 plus 6 15 15 plus 4 19 को 9 हासिल आया 1, यानी कि कैरी कितना हो गया 1 हो गया, 8 plus 4 12 12 1 13 13 plus 3 16 यानी 16.9 आ गया, यानी कि मेरा x का वैल्यू क्या आ गया फाइनली 16.9, यही आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग फटाफट एक बार अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, अपने से सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा ना, यहाँ पे एक बार समझिए अच्छे से, इसके बाद अपने से सॉल्व करिए। ठीक है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा देखिए।
चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी x का वैल्यू फाइंड करना है, उसमें क्या है देखिए, तो नेक्स्ट है 8 के पावर 11 इंटू 4 के पावर 2.7 इंटू 2 के पावर में 3.3 इक्वल टू 2 के पावर में x। देखिए क्वेश्चन नोट करिए, 8 के पावर 11 इंटू 4 के पावर 2.7 इंटू 2 के पावर 3.3 3.3 इक्वल टू 2 के पावर x, यानी कि इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल है, ये तो 2 है ही, 2 का मल्टीपल मतलब कि 2 का गुणनखंड, 2 का गुणनखंड है, 2 × 2 × 2 तीन बार 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 2 के पावर में 3 और पावर में 11 है पहले से, इंटू यहाँ पे 2 × 2 बार गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि 2 के पावर 2 पावर में 2.7 है, इंटू यहाँ पे 2 के पावर 1 तो कोई मतलब नहीं वहाँ लिखने से, तो 3.3 और 2 के पावर में x वाले से। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, सबका बेस सेम है, पहले क्या करेंगे, इसके पहले 3 का जब पावर टू पावर होता है तो मल्टीप्लाई 3 × 11 3 × 11 कितना हो जाएगा 33, यहाँ पे 33 हो गया, 3 का गुणा 11 भी कर देंगे, पावर जब सेम होता है, पावर के पावर जब होता है तो मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 11 33 हो गया, 33 × 2 का जब 27 में करेंगे यानी 2.7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 यहाँ पे 2.7 इंटू 2 करेंगे 54 2×7=14 4 × 1 2×2=5 54 आ गया, यानी कि 5.4 2 के पावर में 5.4। ठीक है, यहाँ पे 2 के पावर 3.3 है, 3.3 इक्वल टू 2 के पावर में x। यहाँ देखिए पावर वाले बेस सबका सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे 33 प्लस 5.4 प्लस 3.3 इक्वल टू 2 के पावर में x। अब दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर इक्वल x इक्वल टू 33, यहाँ पे देखिए अब हम देखिए 33 प्लस 5.4 प्लस 3.3 इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4×3=7 और 5×3 8×2=10 11 3×1=4 मतलब 41.7 41.7 आ गया x का वैल्यू। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट कर लिए होंगे तो फिर से एक बार देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से फिर नोट करिए, कुछ टाइम दे देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बहुत ही है, अच्छे से देखेंगे। देखिए 3 के पावर में m, यहाँ पे आप लोग एक चीज सीखने को, आप लोग को एक चीज सीखने को मिलेगा, देखिए क्या, देखिए अच्छे से 3 के पावर m m सब m है, n नहीं है कोई, पावर में 1/m इक्वल टू 81, यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड करना है, ये हम निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट नहीं है मतलब कि m का स्क्वायर है, जैसे एक आप लोग को सिखाएंगे 3 है, 3×3 स्क्वायर है, तो इसका मतलब है पहले 3 का स्क्वायर कर लेंगे फिर 3 के पावर, मतलब 3×3 3 का स्क्वायर क्या होता है 3×3 यानी इसको इस तरह लिखेंगे 3×9 इसको, लेकिन अगर यही चीज ऐसे रहेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे 3×6 क्योंकि पावर है, पावर का पावर मल्टीप्लाई 3×6 यहाँ पे पावर है तो 3×2 यानी कि 3×9 दोनों में डिफरेंस है, वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे, आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3×m², तो 3×m² डिवाइड बाई, अभी m पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3×2m इक्वल टू यहाँ पे 81 है। अच्छा एक चीज देखिए और छूट रहा है, 1 पावर में 1/m है ना, तो इक्वल टू अब इसको 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3×3×3×3 3×3=9 3×27=81 मतलब 3×4 यहाँ देखिए 3×2m है, यहाँ पे 3×m² है, तो इसको पावर जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m² - 2m हो जाएगा 3×m² - 2m का होल पावर 1/m।
यहाँ हो जाएगा 3 के पावर में 4। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको, अब 3 के पावर में m² - 2m, अब इसका मल्टीप्लाई पावर के पावर होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 3 के पावर में m² - 2m अपॉन में m, 1/m का मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो आ गया मेरा 1/m का मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इधर इक्वल में क्या है 3 के पावर 4, अब देखिए बेस बेस सेम है दोनों तरफ, तो पावर इक्वल आ जाएगा m² - 2m अपॉन में m इक्वल टू 4। अब देखिए m, इसमें से m कॉमन कर लेंगे, एक कॉमन, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m × m है, तो एक m निकाल लेंगे, तो आ जाएगा em - 2 अपॉन में m इक्वल टू 4। तो m m कैंसिल हो गया, जैसा कि आप जानते हैं कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो m - 2 = 4, यानी m = -2 उधर जाएगा, तो +2 + 4 = 6, यही आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, देखिए चौथा क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन है, यह मूल 5 है, पांचवा कड़ी 5, कड़ी 5 है, पांचवा घात बोलते हैं इसे। ठीक है, x²-3/5, देखिए ये कड़ी के अंदर है, x²-3/5 है, तो पूरा ये वाला जो छोटा वाला ब्रैकेट है उसके ऊपर है -5/3, और जो मझला ब्रैकेट है इसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, उसके ऊपर 5 है, बस इसी का वैल्यू निकालना है, इसी को फाइंड करना है, पूरा सॉल्व करना है। देखते हैं, यहाँ देखिए पांचवा मूल है, जब कड़ी हटेगा तो x²-3/5 ((1/5) हो जाएगा, तो पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, तो x²-3/5 पहले से था, और एक 1/5 और आ गया, और एक पहले से यह था एक -5/3, यह वाला इस वाले 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह वाला जो -5/3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 का इससे कर दिए। ठीक है, अभी सबका मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि पावर के पावर में सबका मल्टीप्लाई ही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हो गया 5, अब देखिए यह वाला पूरा पावर इस वाले पूरे पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के पावर कितना आ जाएगा, देखिए पूरा -3/5 ((1/5) - -5/3) - 5, तो ऊपर है 5 5 की पावर 1 है, 5 अपॉन 1 है पावर नहीं, तो इस 5 से ये वाला 5, इस वाले 5 से ये वाला 5, इससे यह, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाता है, तो x के पावर 1 आ गया, जो कि एक बार चेक कर लेते हैं फ्रेंड, x²-3/5 ((1/5) तो 5 5। ठीक है, -5 -5 ऊपर है तो 5 5 से गया, ये दोनों 5, इस दोनों 5 से गया, 3 3 से चला गया, -1 - -1 कितना आ गया आपका, 1 आ गया। और ठीक है, तो यही मेरा आंसर आ गया, मतलब इसका ऑप्शन भी आप लोगों को दिया रहेगा, इसका ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे ए ऑप्शन में रहेगा x, बी ऑप्शन में रहेगा 1/√x, सी ऑप्शन में रहेगा √x²-1, और डी ऑप्शन में रहेगा 1/(-1/2), इतना चीज रहेगा, तो आप लोग लगा देंगे ये वाला एक, तो इस तरह ऑप्शन में आएगा। सही है ना फ्रेंड, ठीक है, नेक्स्ट आता, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, बस फाइनली पूरा सलूशन करने के बाद उसका आंसर एक्स आ जाएगा, उस तरह ऑप्शन में रहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम अपने से देख लिए दिस। ठीक है, सही क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। जो भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड वो सही ही लाएंगे आपके लिए यहाँ पे, ठीक है, गलत क्वेश्चन नहीं आएगा, और गलत हो भी जाता है ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग बस पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, आज क्वेश्चन करने वाला जितना होता है 10-15। ठीक, 0.01 गुड़े 0.01 इंटू
0.001 इंटू 10^7 बस इसी का वैल्यू निकालना है, इसी को फाइंड करना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज बताया गया होगा, बताए थे कि जब पॉइंट के जितने उधर डिजिट होते हैं उतने वन के आगे जीरो लगा के, वन के आगे उतने ही जीरो लगा के हम क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 0.1 है तो 10 का ऊपर 10 का नीचे कर दिया मल्टीप्लाई, 0.01 है तो इंटू 10^2 यानी कि 10 के आगे वन के आगे दो जीरो लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट इधर दो डिजिट है। इस तरह पॉइंट के इस साइड लेफ्ट साइड हमेशा देखेंगे 1, 2, 3 थ्री पॉइंट है, थ्री डिजिट है तो थ्री डिजिट ऊपर है तो वन मतलब 1000 से ऊपर नीचे उड़ा कर देंगे। इस तरह पहले यहाँ पे इसको हम लोग भिन्न बदल लें, भिन्न बदल लेते हैं। चलिए देखिए जैसे कि यहाँ हो जाएगा 0.1 × 10/10 × 0.01 × 100/100। अब इसे जब 1000 से उड़ा करेंगे फ्रेंड तो ये अभी 1 हो जाएगा, 1 अपान में नीचे 1000 आ जाएगा और यहाँ पे 10^7 ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, मतलब 1/10 × 1/10 × 1/1, 2, 3 3 0 आ गया, 3, 4, 5 × 10^7 है नहीं पहले से। अब यहाँ देख रहे हैं ऊपर है 10^7 नीचे है 10^5 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 10^7 / 10^5 का 10^7 - 5 क्योंकि पावर है, दोनों पावर है और डिवाइड है तो 5 माइनस हो जाएगा 7 - 5 यानी कि 10^2 आ जाएगा, ये इसका आंसर, या फिर 100 बोल सकते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आशा करते हो कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को ठीक है। लगाइए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कराई जा रही है, इसको भी ध्यान दीजिए, इसी आधार पे क्वेश्चन ढूंढिए, उसको बुक में होगा क्वेश्चन वहां से निकालिए, जहां से क्वेश्चन मिले ठीक है वहां से आप लोग उसको लेके सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है ठीक है। अब 3^x + y देखिए, 3^x + y = 81 और दूसरा दिया है उसी में दूसरा इक्वेशन है 81 × x - y = 3। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x कर लीजिए या फिर y कर लीजिए, दोनों में से जैसा आपको पूछेगा। तो यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया है निकालने के लिए, लेकिन कुछ भी आ सकता है, x और y दोनों आ सकता है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3^x + y = 81 पहला इक्वेशन हो गया फ्रेंड। तो दूसरे इक्वेशन में है 81^x - y = 3 मतलब अब हमको साफ साफ दिख रहा है 81 है जो 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणनखंड है, यहाँ भी 81 है जो 3 का गुणनखंड, 3 का मल्टीपल ही होगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं 3^ में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 इसको भी 3 क्योंकि यहाँ 3 है ना, यहाँ भी 3 है इसको 3 में, पहले इस इक्वेशन को देखते हैं 3^x + y = अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 81 का 3 × 3 × 3 × 3 मतलब 3 का 4 बार मल्टीपल 3^4 आ गया, 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81 ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 3^4 पूरा होल पावर में x - y = 3 आ जाएगा। तब यहाँ से देखेंगे यह वाला बेस और ये इसका बेस दोनों सेम है, यहाँ से x + y = 4 आ गया और यहाँ से यह वाला 4 जो है ना इसके पावर में मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x - 4y, यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा 4x - 4y = 3, यहाँ से दो इक्वेशन मिला एक यह और एक यह ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर यहाँ से x = 4 - y उसमें रख दें, या फिर दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दें ऐड हो रहा है तो, या फिर माइनस कर लें अगर माइनस हो रहा है, या फिर क्या करते हैं इस वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको देखना बस इसके आधार इसके जैसा बनाने के लिए, क्योंकि इसमें 4x 4y है, इसमें 4x 4y है तो कोई ना कोई काटना है ना तभी तो कोई एक वैल्यू निकलेगा ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4x, इसमें भी पूरे इक्वेशन में 4x मल्टीप्लाई करना है इस पूरे इक्वेशन में, तो 4x + 4y = 4, 4 × 16 हो गया ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन हमको इससे मिला और ये वाला पहले से था दूसरा इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन को लाके इसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x - 4y = 3 है। अब इसको ऐड करते हैं इस तरह, अब यहाँ पे ऐड करते हैं तो साइन नहीं बदलते, जो माइनस करते हैं तो इसका जो प्लस है सारा साइन मतलब बदल जाता है ठीक है। यहाँ पे देखिए 4y प्लस है माइनस है, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 4 + 4 8x,
आठ एक्स बचा इक्वल टू 16 प्लस 3 19, यानी x का वैल्यू आ गया 19 अपान 8। यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 19 अपान 8। अब इसी 19 अपान 8 को चाहे इसी क्वेश्चन में चाहे यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 4 में रख देंगे 19 अपान 8 x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस 19 अपान 8। ये वाला प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा, तो 8 इसी तरह एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, 8 चौका 32 माइनस 19 कितना हो गया 32 माइनस 19 करेंगे यहाँ से इसमें एक ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 है मतलब 3 प्लस 10 मतलब कि 13 13 बटे 8 इसका भी आंसर आ गया, सॉरी उसका 19 अपान 8 आया था ना इसका 13 बटे 8 मतलब यहाँ से y का वैल्यू देखेंगे तो 13 मतलब 13 बटे 8 आ गया। ठीक है फ्रेंड आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड से, जिसको नहीं समझा रहा वीडियो स्लो मोशन में अच्छे से करके देखिए, वैसे नहीं हम पूरे अच्छे समझा रहे हैं इसको, ठीक है इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे पूरा अच्छे समझाएंगे, एक एक स्टेप अच्छे समझा रहे हैं आप लोग को, जानते हैं थोड़ा सा जो बच्चे कुछ बच्चे इसमें कमजोर भी होंगे ना, बहुत सारे बच्चे कमजोर होंगे, कुछ ही बच्चे होते हैं डीएलएड के जो थोड़े अच्छे होते हैं पढ़ने में, नहीं तो सारे बच्चे बेसिक से ही आते हैं, तो बेसिक ही बता रहे हैं, बेसिक से ही बता रहे हैं, कुछ इसमें हाई फाई नहीं लेक्चर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लाएंगे, ठीक है सब कुछ यही करना है, बेसिक भी करना है हाई क्वालिटी का भी करना है, अच्छे से तो एग्जाम क्लियर करना है ना, तो सब कुछ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, देखिए बिल्कुल उसी तरह जो पहला वाला कराया था बिल्कुल उसी तरह ये वाला भी है, 2 के पावर में 3.6 इंटू 4 के पावर में 3.6 इंटू 4 के पावर में 3.6 इंटू 32 के पावर में 2.3 इक्वल टू 32 के पावर में x, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग कर सकते हैं क्योंकि पहला वाला जो पहला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी तरह भी है ये वाला भी है, क्योंकि इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है, जो पहला वाला था 9 वाला 9 के पावर 8.6 बिल्कुल उसी तरह है, इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है, उसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना था, तो आप लोग इसको करेंगे, ठीक है नहीं करें अगर नहीं आएगा वैल्यू जिसका वो कमेंट कर देंगे, कमेंट कर देंगे इसको हम उस कमेंट में आंसर दे देंगे, या फिर से नेक्स्ट वीडियो में जिस वीडियो में आप लोग इसको इसका नहीं बताया जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका बता देंगे इसका आंसर, ठीक है इसको करवा देंगे वैसे कर ले जाएंगे। चलिए इसको करिएगा आप लोग करिएगा, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन कराना है ना तो करिएगा, इसे इजी था पहले वाला जैसा है बिल्कुल, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, x इक्वल टू 2 प्लस 2 के पावर में 2 अपान 3 प्लस 2 के पावर में 1 अपान 3, ठीक है इक्वल, तो हमको क्या बताना है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x का वैल्यू बताना है, यह दिया हुआ है और यह बताना है हमको, ठीक है तो एक चीज हम लोग ध्यान से देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे x इक्वल टू 2 इधर x कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल x का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे x क्यूब मतलब कि हमको समझ आ रहा है कि x क्यूब वाला फॉर्मूला चाहिए हमें, तो देखिए तीन चार फॉर्मूला बता दे रहे हैं उसको नोट करिएगा, एक तीन चार फॉर्मूला बता देते हैं उसको पहले नोट करिएगा आप लोग, ये वाला क्वेश्चन में मेरा इस वाले फॉर्मूला लगेगा, देखिए x माइनस y कर लेते हैं, y का होल क्यूब वाला फॉर्मूला होता है ना, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x माइनस y पढ़े होंगे आप लोग, ठीक इसी वाले में लगेगा इसको, ठीक है और किसी वीडियो में सारे फॉर्मूला आप लोग को हम बता देंगे, इस वाले वीडियो इस वाले क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले पे ये वाला सॉल्यूशन होगा, ठीक है इसमें देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं पहला वाला और ये अपने यहाँ आ जाएगा, इसमें क्या करते हैं 2 है इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 2 का हो जाएगा इक्वल टू उधर क्या बचेगा 2 के पावर में 2 अपॉन 3 प्लस 2 के पावर में 1 अपॉन 3, तो इसको उठा के हम इधर लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कि मेरा इतना आया हुआ है, क्योंकि एक यह वैल्यू है जो इसको लास्ट में रखकर हमको पता करना होगा, ठीक है देखते हैं 2 के पावर में 2 अपॉन 3 प्लस 2 के पावर में 1 अपॉन 3 यह आ गया, यही हमको यूज करना है, तो इतना आ गया, अब इसी को क्या करेंगे दोनों तरफ का होल क्यूब कर देंगे, क्योंकि यह लिख लिया होंगे फार्मूला यूज करते हैं, अब इसी में दोनों तरफ का होल क्यूब कर देना है हमको पावर में 3 कर देना है, पावर में 3 कर कर x माइनस y का होल क्यूब करके उसका फार्मूला लगा देना है, तो x x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2 के पावर में 2 अपॉन 3 प्लस
टू के पावर में 1/5, दोनों तरफ कवर क्यों कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला वही लगाएंगे, पहले में क्या था एक्स क्यूब माइनस दो का क्यूब करेंगे, दो गुड़े दो गुड़े दो, दो का तीनों मल्टीप्लाई यानी कि 8 आ गया, ठीक है, माइनस 3 फॉर्मूला में था, फॉर्मूला अच्छे से देखिए 3 इंटू एक्स इंटू 2 एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2 के, इसका जब इधर करेंगे 2 के पावर 2/3, अब पावर में भी आएगा क्यूब में, यानी 2 पावर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए सॉल्व कर देते हैं, 2 के पावर 2/3 इंटू 3 प्लस 2 के पावर में 1/3 इंटू 3, फिर नीचे आएगा इसी के साथ, इसी के सीधे आगे आएगा 3 इंटू 2 के पावर में 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3, 2 के पावर में 2/3 प्लस 2 के पावर में 1/3। देखिए फ्रेंड्स को बोल देते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, देखते हैं, देखिए 2 के पावर 2/3 इंटू 3 प्लस 2 के पावर 1/3 इंटू 3, इसी के आगे आएगा प्लस 3 इंटू 2 के पावर 2/3, ठीक है, 2 के पावर 2/3 इंटू इंटू 2 के पावर 1/3, फिर ब्रैकेट में 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3, ठीक है दोस्त। अब देखेंगे जो 2 लास्ट में आया हुआ है, 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3 लास्ट में आया है, उसी का वैल्यू x माइनस 2 है, तो उसके प्लेस पे इतना रख देंगे। अब इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं, इधर का जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे, तो x क्यूब माइनस 8 और 3 टू जा 6, 6x और x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वल टू, अब 2 के पावर 3 के इंटू 3 करेंगे तो 2 के पावर 2 बचेगा, प्लस 2 के पावर 1/3 इंटू 3 करेंगे तो 2 बचेगा, 2 के पावर 1 यानी कि 2। अब यहाँ पे देखेंगे 2 के पावर, देखिए ध्यान से, 3 इंटू 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3, अब जो आया था ये वाला लास्ट में आया इंटू करके ना, इसके पहले से x माइनस 2 रख देंगे, क्या लिखेंगे x माइनस 2 बस, ठीक है दोस्त, इसका यूज था ये। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है दोस्त, इसको देखते हैं। अब देखिए x क्यूब है माइनस 8, अब इसको लिखते हैं पहले x क्यूब माइनस 8 माइनस, ये जो माइनस 6x है इसका x में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स पावर पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 यहाँ पावर, यहाँ पे 1 पावर 2 हो गया, वहाँ पे 1+1 2 हो गया। अब यहाँ पे 6x का माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 6x है, माइनस 6x माइनस 2 माइनस इंटू माइनस जब होता है तो हमेशा प्लस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, तो माइनस 6x इंटू माइनस 2 6×12 यानी कि प्लस का 12x, ठीक है। यहाँ पे यह आपका अलजेब्रा का पूरा प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है बहुत ज़्यादा, माइनस और प्लस का, माइनस प्लस का ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाता है। यहाँ देखिए 2 के पावर 2 4 इधर वाला इक्वल इधर, और प्लस 2 और प्लस 3 इंटू, अब यहाँ देखिए 2 के पावर 2/3 और इंटू में 2 के पावर 1/3 है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/3 तो कितना हो जाएगा 3/3, 3/3 का मतलब 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, और यहाँ पे x माइनस 2 पहले से है, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए x को इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इस माइनस 8 को उधर इधर रख देते हैं, अभी पहले उधर का सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 4 2 6 3 2 6 इधर है 4 प्लस 2 6 हो गया प्लस 3 2 6 इस 6 का जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा इस वाले ब्रैकेट में, यहाँ 3 2 6 हो गया 6 का x किए तो 6x इस 6 का यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है तो 6 2 12 माइनस 12 आ गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 6x प्लस में है, यहाँ पे 12x है प्लस में, इस 6x को इधर लेकर आएंगे तो 12x माइनस 6x हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, देखिए ध्यान से इस वाले x को इधर लाते हैं और यह वाला जो 8 है जिसके पास x नहीं उसको उधर उस साइड ले जाते हैं, यहाँ पे x क्यों माइनस 6x स्क्वायर इसको लिख लिए, अब यहाँ पे प्लस 12x और माइनस या प्लस 6x इधर आएगा माइनस 6x हो जाएगा इक्वल टू या माइनस 8 है उधर जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस का 8 या प्लस का 6 माइनस 12, तो यहाँ पे देखेंगे तो x क्यों
बचा है माइनस छह एक्स स्क्वायर, और यहाँ बारह एक्स माइनस छह एक्स कितना आ गया प्लस छह एक्स सिक्स एक्स, और यहाँ एट प्लस सिक्स फोर्टीन, फोर्टीन माइनस बारह करेंगे तो दो आ जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर, यही हमको निकालना था, x क्यूब माइनस छह एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स, x क्यूब माइनस छह एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स इक्वल टू दो, मतलब फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया दो। ठीक है दोस्त, देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, दो क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। टू के पावर एक्स, ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। टू के पावर एक्स इक्वल टू फोर के पावर वाई इक्वल टू एट के पावर जेड वन अपॉइंट टू एक्स, इतना दिया है तो पूछ रहा है वन अपॉइंट टू एक्स, नहीं एक और चीज दिया वन अपॉइंट टू एक्स प्लस वन अपॉइंट फोर वाई प्लस वन अपॉइंट सिक्स जेड इक्वल टू दिया हुआ है ट्वेंटी फोर अपॉइंट सेवन, 24 अपॉन 7, तो z का वैल्यू पूछ रहा है, z का वैल्यू बताइए। देखिए 2 के पावर x इक्वल टू 4 के पावर y इक्वल टू 8 के पावर z, 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 1 अपॉन 6z इक्वल टू 24 अपॉन 7, तो z का वैल्यू बताइए। ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम, पहले क्या करेंगे, सबका देख रहे हैं पावर में 2 आ सकता है, यहाँ 2 के पावर x 2 इंटू 2 मतलब 2 के पावर 2y 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 के पावर 3z इक्वल कर लेते हैं, 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 2y इक्वल टू 2 के पावर 3z, 3z कहाँ से आया, इसको 8 को क्या किया है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 के पावर 3 आया है, ठीक है, यहाँ से आया है, इसको ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग से वीडियो देखिए आप लोग, वीडियो नहीं देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ 2 के पावर x 2 के पावर 2y 2 के पावर 3z, हमको z का वैल्यू निकालना है, तो 2 के पावर x इक्वल टू z का कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले देखिए पहले कंपेयर नहीं करेंगे, पहले पावर तो सेम है, पावर सॉरी पावर नहीं बेस, बेस सेम है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू टू वाई इक्वल टू थ्री जेड। अब यहाँ पे देखिए कि x इक्वल टू हमेशा हमको जेड, जब जेड की वैल्यू निकालना है तो जेड से कंपेयर करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसके उसके साथ कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू थ्री जेड एक टू यहाँ एक यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमको थ्री जेड मतलब x इक्वल टू थ्री जेड, जहाँ पे x है वहाँ पे थ्री जेड रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि 2x का वैल्यू निकालना है, 2x इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का इधर इधर भी कर दिए, यानी कि 2x इक्वल टू 6z। अब यहां पे 2x के प्लेस पे 6z आ जाएगा, उसी तरह 2y का कंपेयर 3z के साथ करेंगे, 2y इक्वल टू 3z। अब यहां पे देखेंगे हमको 4y की वैल्यू निकालना है, मतलब 2 का इधर मल्टीप्लाई 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 4y इक्वल टू 2 3 6 3 दूनी 6 यानी 3 2 6z हो गया, यहां पे भी 6z आ गया, यहां पे 4y 4y के प्लेस पे 6z और यहाँ पे 2x के प्लेस पे 6z, यहाँ पे लिख लेते हैं इस वाले इक्वेशन को उठा के, यहाँ पे 1 अपॉन 6z प्लस 1 अपॉन 4y के प्लेस पे आया है ना, 4y के प्लेस पे 6z, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है, इसको रख लेते हैं बस 6z और 1 अपॉन 6z पहले से है, तो यहाँ पे इसका इक्वल टू दिया हुआ है 24 अपॉन 7। अब यहाँ पे देखिए 6z 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 यानी कि इसका जो बेस है, बेस मतलब अंश हर इसका क्या है, इक्वल है, जब हर इक्वल है तो आपस में ऊपर वाला क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 3 अपॉन 6z इक्वल टू 24 अपॉन 7, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी कि 1 अपॉन 2z 1 अपॉन 2z इक्वल टू 24 अपॉन 7 ये आ गया यहाँ से। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं, आगे ऊपर ऊपर देख लेते हैं, देखिए 1 अपॉन 2z इक्वल टू 24 अपॉन 7, यहाँ पे 2 है z का वैल्यू निकालना है, पहले इधर इसको उलट दीजिए, दोनों को उलट देंगे और रिवर्स कर देंगे, यानी कि 2z तो ये भी उलट जाएगा इधर वाला भी 7 अपॉन 24, यहाँ पे z का वैल्यू निकल जाएगा 7 अपॉन में ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा
24 इंटू टू यानी कि 7 अपान में 48, दो चौके 8, दो दूनी 4, यानी कि z का वैल्यू आ गया 7 अपान 48। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नोट करते रहिए, आप लोग सीखते रहिए, एक बार अपने से भी सॉल्व करिए इसको, एक बार देखिए सॉल्व हो जाता है। इसी के टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन उठाइए बुक से, जैसा क्वेश्चन मिल जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो ऐसा ही, नहीं तो और बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही बुक में, कोई सा भी बुक उठा लीजिए बस इसी टॉपिक पे। जल्दी थोड़े हो कि डीएलएड का हो तो डीएलएड का सॉल्व करें, रेलवे कर रहे हो तो रेलवे का सॉल्व करोगे, ये जरूरी नहीं है दो, ठीक है। कोई सा भी बुक उठाइए, टॉपिक यही लीजिए, सारा क्वेश्चन हर बुक से सॉल्व करिए इसी टॉपिक पे, जहां जहां भी जाए क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भी। ए के पावर में एक्स इक्वल टू बी के पावर में वाई इक्वल टू सी के पावर में जेड इक्वल टू के दिया हुआ है। अब बोल रहा है यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब बोल रहा है वाई का वैल्यू बताइए, वाई का वैल्यू क्या होगा बताइए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए के पावर एक्स इक्वल टू के है, ए के पावर एक्स इक्वल टू के है, तो सबके एक 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 खुले ए के पावर एक्स को के इक्वल करेंगे, फिर नेक्स्ट बी के पावर वाई को के इक्वल करेंगे, फिर नेक्स्ट सी के पावर जेड को के इक्वल करेंगे अलग अलग से। तो यहाँ पे हमको ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू निकल जाएगा, ए बी सी का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे सबको वाई के फॉर्म में लेके आएंगे। अब वहाँ से वाई के फॉर्म में निकालेंगे तो एक्स और जेड के फॉर्म में मेरा आंसर आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ए के पावर एक्स इक्वल टू के, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ से देख रहे हैं कि ए के पावर एक्स इक्वल टू के, तो ए का वैल्यू कितना आ गया के पावर में 1/x, एक तो यहाँ से मिल गया, और दूसरा हो गया बी के पावर वाई इक्वल टू के, यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया के पावर में 1/y, और तीसरा हो गया c के पावर में z इक्वल टू के, यहाँ पे आ गया c का वैल्यू के पावर में 1/z। बस ये तीन जो आंसर आया है मेरा, तीन आंसर नहीं कहेंगे बनकर जो आया है निकला हुआ है यहाँ से, तो इसको उठा कर इस इक्वेशन में रखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी में। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू के पावर 1/y, तो के पावर में 1/y इंटू दो है पहले से, जब दो इंटू है तो यहाँ पे दो वाई आ जाएगा, मतलब कि दो बटे वाई के पावर 2/y इधर इसी तरह आ जाएगा ए के पावर, मतलब के पावर में ए का वैल्यू क्या है के पावर 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा के पावर में 1/x, और इसी तरह यहाँ पे सी का वैल्यू देखेंगे तो सी का वैल्यू के पावर 1/z, तो के पावर में 1/z, ठीक है। अब यहाँ पे हमको वाई का वैल्यू निकालना है, तो देख रहे हैं पावर देखिए, तो उसके बाद बेस देखिए, बेस क्या है सेम है, यहाँ पे बेस जब सेम है तो 1/x प्लस 1/z हो जाएगा, और यहाँ पे बेस सेम है इधर भी सेम हो जाएगा, पहले इसको ऐड कर लेंगे 1/x प्लस 1/z के पावर 1/x प्लस 1/z, और यहाँ पे देखेंगे बेस फिर इक्वल हो जाएगा, जब बेस इक्वल हो जाएगा यहाँ आंसर आएगा 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। पहले यहाँ से कर लेंगे के पावर 1/x प्लस 1/z, एक स्टेप यहाँ पे छोड़ रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे बीच में छोड़े हैं हम, इसको ध्यान दीजिएगा के पावर 1/x प्लस 1/z, वो आने के बाद k का बेस दोनों तरफ के हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 2/y इधर बचेगा 1/x प्लस 1/z, वही चीज़ यहाँ पे दी है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, तो पहले एलसीएम इधर कर लेते हैं, 2/y इक्वल टू यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो जेड प्लस एक्स, ये वाला जेड यहाँ पे, ये वाला एक्स यहाँ पे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे ये हो गया। अब यहाँ से वाई का वैल्यू निकालना है, दोनों का रिवर्स कर देंगे, क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, उलट देंगे, देखिए दोस्त, अब जब उल्टेंगे इसको क्या हो जाएगा, वाई अपॉन टू इक्वल टू एक्स वाई, एक्स जेड है यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे एक्स जेड आएगा ना, यहाँ जेड है ना, तो एक्स जेड होगा, यहाँ पे एक्स जेड होगा, एक्स जेड अपान में जेड प्लस एक्स। अब यहाँ पे जो दो है वो इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड करें, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वाई का वैल्यू कितना आ गया, टू एक्स जेड अपान में जेड प्लस एक्स, यही आंसर हो गया दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, हाँ लास्ट एक नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन तो बहुत सारे आज लाए हुए हैं, लेकिन टाइम की वजह से देखिए जहाँ तक हो जाएगा करेंगे, फिर उसके बाद कुछ काम है मुझे जाना है। ठीक है, काम से ही कहीं जाना है पढ़ने के सिलसिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन फटाक से देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यक्स टू दी पावर ए अपन में यक्स टू दी पावर बी के पावर में वन अपन ए बी इंटू यक्स टू दी पावर बी अपन में यक्स टू दी पावर सी के पावर में वन अपन बी सी होल पावर है इंटू यक्स टू दी पावर सी अपन में यक्स टू दी पावर ए के पावर अपन पूरा पावर वन अपन सी ए, इसका वैल्यू फाइंड करना दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एक चीज पहले देख लीजिए, यह फॉर्मूला आपको पता होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, 6, 7, 8 जब पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते होंगे, ये सब तो बेसिक चीज है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स की पावर ए है एक्स पावर बी है, पावर बेस सेम है, यहाँ बेस सेम यहाँ बेस सेम, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपस में, यानी एक्स के पावर में ए माइनस बी वन अपॉन ए बी है पहले से इंटू एक्स के पावर में बी माइनस सी पूरा के पावर वन अपॉन बी सी है पहले से। ठीक है, इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए पूरा के पावर वन अपॉन सी ए पहले से है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ a माइनस बी पावर मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन अपॉन ए बी है तो x माइनस बी वन से मल्टीप्लाई होगा अपॉन ए बी बचेगा। इस तरह यहाँ पे b माइनस सी इंटू वन बी माइनस सी अपॉन बी सी, यहाँ पे c माइनस ए इंटू वन सी माइनस सी अपॉन सी ए, यानी कि x के पावर में सीधे लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी अपॉन में ए बी इंटू x के पावर में b माइनस सी अपॉन बी सी इंटू x के पावर में c माइनस ए अपॉन में सी ए। ठीक है दोस्त, अब आगे अगर एक स्टेप और ले चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखते नोट करते रहिए आपको, ठीक है नोट करते रहिए इसको ध्यान से। आगे देखिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेस सबका सेम है, बेस सेम है तो पावर फिर से ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा यानी एक्स से पावर क्या आ जाएगा केवल एक्स से पावर में ए माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी माइनस सी अपॉन में बी सी प्लस सी माइनस ए अपॉन में सी ए। ठीक है दोस्त, बस अब इसका एलसीएम लेंगे, अब देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी सी आएगा, अब जिसके नीचे ए बी है वह ऊपर ए बी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये थोड़ा ट्रिकी समझ लीजिए, इसे एलसीएम लेने का तरीका यही है इसमें इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे नीचे ए बी सी आ जाएगा एलसीएम तो ए बी सी आएगा। देखिए कैसे ए बी सी या पावर में एक्स के पावर में ए बी सी आ गया, अब यहाँ पे ए बी है ए बी सी डिवाइड करेंगे सी बचेगा, सी का मल्टीप्लाई ए माइनस बी में कर देंगे, ए माइनस बी में सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए माइनस सी बी यही आएगा, यहाँ लिख देते हैं सी ए माइनस सी बी। ठीक है दोस्त, अब इस तरह बी सी का जब डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम में तो बी सी कट जाएगा बचेगा ए, ए का मल्टीप्लाई बी माइनस सी में नहीं ए का मल्टीप्लाई बी माइनस सी में तो ए बी माइनस ए सी क्या बचेगा प्लस है यहाँ पे प्लस ए बी माइनस ए सी। ठीक है, इस तरह यहाँ पे सी ए है तो सी ए इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा ए सॉरी बी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस ए में नहीं बी मल्टीप्लाई सी माइनस ए क्या बचेगा बी सी माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी सी माइनस सी ए सॉरी बी ए बी ए बी ए आएगा ना, यहाँ पे आ गया सी ए, यहाँ पे देखिए माइनस में सी ए कहीं दिख रहा है तो माइनस में सी ए यहाँ पे कट गया, यहाँ पे माइनस सी बी है प्लस सी बी दिख रहा है प्लस सी बी कट गया, यहाँ प्लस ए बी है माइनस ए बी कट गया, यानी ऊपर आ गया जीरो जीरो अपॉन ए बी सी मतलब जीरो यानी एक्स की पावर जीरो, जब किसी के पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन आ जाता है। ठीक है दोस्त, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, उसको करिए, एक क्वेश्चन दिए हुए एक और देते हैं इसको करिए और कमेंट करिए आंसर। लगाइए मेरिकल लगाइए आप लोग, जितना लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा बेटर होगा, नहीं लगाएंगे तब दिक्कत होगा, तो भाई एग्जाम में दिक्कत होगा, क्वेश्चन आ गया हम शायद नहीं लगाए थे इसलिए नहीं लग रहा है, लगाए होते तो लग जाता।
ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इसी भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक्स के पावर बी प्लस सी के पावर में बी माइनस सी इंटू एक्स के पावर सी प्लस ए के पावर में सी माइनस ए इंटू एक्स के पावर में बी प्लस सी सी प्लस ए, यानी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी के पावर में ए माइनस बी। इसका आंसर बताइए, ठीक है दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग को, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, और लाइक भी करिए आप लोग इस वीडियो को, शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का पहले पूरा बताया गया मैथ का क्या क्या सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आप लोग बताइए अपने दोस्तों को, यहाँ पे डीएलएड का सारा कोर्स कराया जा रहा है, डीएलएड का नहीं, यहाँ पे रेलवे एसएससी के बच्चे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, यही सब आता है, इससे बाहर थोड़े आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है उस सब में, यही सब सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है दोस्त। तो लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा उसके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, और पढ़िए मजे में। थैंक यू फ्रेंड।